देखिए, ये है आपके शरीर में जो लीवर होता है उसकी एक बेसिक कोशिका होती है। ये लीवर का एक सेल है जो हेक्सागोनल शेप में बना होता है। ड्राइंग थोड़ी मेरी ठीक नहीं है, ज़्यादा बढ़िया नहीं है। हेक्सागोनल शेप का होता है और ये नॉर्मल है। और लीवर के हिस्से 500 से ज़्यादा काम जो है लीवर के हिस्से आते हैं। और लीवर ऐसा कौन सा फंक्शन हमारी बॉडी में है जिसका लीवर का जिसमें लीवर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब ये नॉर्मल सेल है, लेकिन जब यही सेल, और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है अपने काम को, कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है, स्टोर करना है तो स्टोर भी कर सकता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन ज़रा सोच के देखो, यही चीज़, यही कोशिकाएं इतनी बड़ी हो जाए तो आपके लीवर का क्या हाल होगा। जब बड़ी हो जाए कोशिकाएं, तो इससे क्या होगा, ये तब होती है जब इसके अंदर बहुत सारा फैट जमा होना शुरू हो जाता है। और ये तो एक कोशिका है, न जाने कितनी ही कोशिकाएं होती लीवर में। जब ये सारी कोशिकाएं बढ़ने लग जाएंगी, उनके अंदर ये फैट डिपॉजिट होना लग जाएगा, तो आपका जो लीवर है वो बहुत बड़ा हो जाएगा और उसको बोलते हैं फैटी लीवर। और जो ये इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर रहती नहीं है। और ये जितना क्विकली काम करता है, ये उतना ही स्लो काम करता है। कई बार तो इसके अंदर जगह ही नहीं बचती कि अगर ज़रूरत के अनुसार कोई चीज़ स्टोर करने की ज़रूरत भी पड़ेगी तो वो इसमें कर भी नहीं पाएगा। इंडिया में 30 साल की उम्र के बाद में लगभग लगभग 40% के करीब लोग हैं जिसके अंदर थोड़ा या ज़्यादा फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती ही होती है। और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फैटी लीवर होता है। तो इसलिए फैटी लीवर को जानना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाम से पता लग रहा है फैटी, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट जमा हो गया है, जिसकी वजह से उसको फैटी लीवर कहते हैं। अब इसको पहचाना कैसे जाए, कौन से ऐसे टेस्ट है जिसकी वजह से, जिसकी मदद से आप इसको पहचान पाओ, कौन सा बेस्ट टेस्ट है जो आपको इसका स्क्रीन करने में आपकी मदद करे। और अगर आप नॉर्मल फील कर रहे हैं तो क्या आपको वो टेस्ट करवाना चाहिए, या करवाना भी चाहिए तो कब करवाना चाहिए, और किन लोगों को वो टेस्ट करवाने ही करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे ताकि आपको ये बात समझ में आए कि फैटी लीवर जो है वो हल्की फुल्की चीज़ नहीं है, काफ़ी भारी चीज़ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं क्लेरिफाई ज़रूर करना चाहूँगा, जो लोग वीडियो को छोड़ के जाने की सोच रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल स्लिम ट्री हूँ, मेरी तो बॉडी बनी हुई है, मुझे तो फैटी लीवर होगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका BMI, बॉडी मास इंडेक्स भी नॉर्मल है, और अगर फैमिली में कोई हिस्ट्री रही है, या फैमिली में कोई डायबिटीज़ की हिस्ट्री रही है, या फैमिली में किसी को फैटी लीवर की प्रॉब्लम रही है, तो सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी काफ़ी चांसेज है कि आपको भी फैटी लीवर निकले। तो इसलिए इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। 30 साल की उम्र के बाद में साल में या 2 साल में एक बार अपना कुछ टेस्ट है वो आपको करवाने चाहिए। कौन से टेस्ट हैं वो मैं आपको अभी डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जो फैटी लीवर होता है, बहुत बार तो जब पेशेंट जब जाता है एक्सीडेंटली पता लगता है, जब उसको किसी और चीज़ की वजह से डॉक्टर बोलता है कि जाइए अल्ट्रासाउंड करवा के आइए, अल्ट्रासाउंड में करवा के आते हैं तो पता लगता है कि फैटी लीवर है। और कई बार थोड़ी ग्रेड भी शुरुआती नहीं, थोड़ी बड़ी हुई होती है, तो उसमें डॉक्टर भी जब हाथ लगा के देखता है, फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, तो लीवर बढ़ा हुआ फील होता है, तब डॉक्टर खुद से भी अल्ट्रासाउंड के लिए बोलते हैं। तो ये एक्सीडेंटल फाइंडिंग बहुत लोगों में होती है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो बिल्कुल नॉर्मल था, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं था, ये तो वैसे ही निकल गया, ये तो वैसे ही निकल गया, डॉक्टर तो ऐसे ही बात करते रहते हैं। लेकिन इंडिया में काफ़ी कॉमन हो गया है, क्योंकि आपकी डाइट है, डाइटरी हैबिट्स हैं, फूड स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, काफ़ी चीज़ें हैं, उसके अलावा डायबिटीज़ है, मेटाबॉलिक डिजीज़ है, आपके अंदर ओबेसिटी है, कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो फैटी लीवर को प्रमोट करती है। कैसे टेस्ट करेंगे, तो जो जो मेडिकल साइंस में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है हिस्ट्री, कि अगर आपकी फैमिली में किसी तरह की हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, या आपके अंदर डायबिटीज़ की हिस्ट्री है कि आपको डायबिटीज़ हुई है, या फिर आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा ओबीज लोग हैं, तो वो पूरी सब चीज़ों को देख के रिस्क असेस किया जाता है, पहली बात। तो ये तो है हिस्ट्री के बेसिस पे। फिर दूसरी बात है मेडिकल एग्जामिनेशन के। डॉक्टर कई बार पेशेंट को लेटाने के बाद में उसको एग्जामिनेशन करके ही हाथ से ही काफ़ी आइडिया लगा पाते हैं कि लीवर का साइज़ बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें तो होगी जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी।
बट कुछ ऐसे टेस्ट भी हैं जिसके लिए एक टाइम के बाद में आप खुद से जाके जांच करवा सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है, आपका बॉडी मास इंडेक्स यानी कि आपका ओबेसिटी ज़्यादा है और बॉडी मास इंडेक्स बढ़ा हुआ है यानी कि 30 के करीब या 30 से ज़्यादा है तो, या फिर आपके घर में इस तरह की हिस्ट्री है तो आपको ये टेस्ट करवाना चाहिए। तो सबसे पहला जो टेस्ट आता है वो आता है अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रास्कैन। बेसिकली ये एक तरह की बहुत ही नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, इसमें किसी तरह का दर्द नहीं होता, किसी तरह की जांच मतलब खून का सैंपल नहीं लिया जाता, आराम से लेटना है, जेली लगाएंगे और उससे आपका लीवर का स्कैन होगा और इससे पता लगेगा कुछ कुछ मेजर मेजर चीज़ें हैं जो काफ़ी कुछ इंडिकेट कर सकती है आपके लीवर का साइज़, आपके लीवर का हल्का फुल्का टेक्स्चर और उसके अंदर इकोजेनेसिटी देखी जाती है कि वो उसके अंदर जो है वो कितनी चीज़ जो है बढ़ी हुई है। सो इससे ये आइडिया तो लगना मुश्किल है कि कितना फैला हुआ है, लेकिन साइज़ का इकोजेनेसिटी से काफ़ी चीज़ों का आइडिया लग सकता है, जिसके बाद हम आगे शुरुआत कर सकते हैं कि हमको कोई और टेस्ट भी करवाने की ज़रूरत है या नहीं है। बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है, आजकल आम जगह पे हर जगह पे मिल जाता है, आप अपनी विश से जाके ये टेस्ट करवा सकते हैं। तो पहला हो गया अल्ट्रासाउंड। दूसरा जो टेस्ट होता है, जो हमारा लीवर होता है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर फैट बढ़ता है उसकी वो इलास्टिसिटी, उसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम होने लग जाती है। और कम होने का मतलब है कि ये इंडिकेट करता है कि लीवर हैवी हो रहा है, उसके अंदर फैट ज़्यादा है। तो कई बार जब बहुत ज़्यादा फैट बढ़ता है तो उसके अंदर फाइब्रोसिस होती है और फाइब्रोसिस ऐसी होती है कि रस्सियों से बांधने की जैसा हो जाता है लीवर, वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता और वहीं से ज़्यादा परेशानियाँ भी होती है बहुत बार। और जब फाइब्रोसिस होती है तो उसको भी चेक करने के लिए कितनी फाइब्रोसिस होती है उसके लिए एक अलग से टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन आमतौर पर हर जगह पर नहीं मिलता है, अच्छी फैसिलिटी पर जाके मिलेगा, बट बिफोर दैट आपको अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। अल्ट्रासाउंड से काफ़ी कुछ इंडिकेशन मिलती है कि अब आपको आगे कुछ करवाने की ज़रूरत है या नहीं है। कई बार सीटी स्कैन भी करवाते हैं लोग, बट सीटी स्कैन उतना ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट नहीं होता फैटी लीवर के लिए। MRI भी एक टेस्ट होता है, बट MRI का जो टेस्ट होता है वो भी ज़्यादातर तब करवाते हैं जब कोई पेशेंट ट्रीटमेंट पे चल रहा होता है, ये देखने के लिए कि उसके अंदर कितनी प्रोग्रेस हुई। सो उसके लिए मॉनिटरिंग में हेल्प करता है MRI। तो शुरुआती जो स्क्रीनिंग के लिए अगर बात करी जाए तो उसमें अल्ट्रासोनोग्राफी सबसे ऊपर आता है। अब बात है कि आपका अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रॉब्लम आ रही है, आपने फाइब्रोस्कैन भी करवाया, अब आपको उसको जो है पूरी तरह से कन्फर्म करना है, तो कन्फर्म करने के लिए होता है बायोप्सी। और बायोप्सी जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में करी जाती है, लीवर के एक टुकड़े को निकाला जाता है, छोटे से टुकड़े को, और उसको पैथोलॉजी में भेज के उसका सैंपल टेस्ट किया जाता है। ये देखा जाता है कि उसके अंदर जो फैट है या फाइब्रोसिस है वो चीज़ कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, ये प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, इसमें मदद करता है आपका बायोप्सी। फिर इनके अलावा बहुत सारे लोग क्या होता है कि जिनको मिसगाइड कर दिया जाता है कि आप अपने लैब में टेस्ट करवा लो कि भाई तुम्हारे तो लीवर के जो थोड़े से जो बड़े हुए हैं। ये कई बार क्या होता है कि जो वो कई वायरल हेपेटाइटिस होता है उसके अंदर भी बढ़ जाते हैं। जो फैटी लीवर होता है शुरुआती तौर पर जो लीवर के जो एंजाइम्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं कई सारे, 4-5 दो मोटे मोटे तौर पर, उस पर एक वीडियो बनाया हुआ डिटेल में, आप उसको जाकर देखिए। जैसे कि SGOT है, SGPT है, थोड़े बहुत बढ़ते हैं तो उससे अंदाज़ा नहीं लगता है। सो जितने भी हम टेस्ट करवाते हैं, जो ब्लड टेस्ट करते हैं, उनसे फैटी लीवर का बहुत ज़्यादा अच्छा खासा आइडिया नहीं लगता है। लेकिन जब आपको फैटी लीवर की पहचान हो गई है तो डॉक्टर आपका रिस्क असेसमेंट करने के लिए आपको कई तरह हिस्ट्री लेगा, आपकी कई सारे और टेस्ट भी करवाएंगे, क्योंकि फैटी लीवर जो है वो फैट जो है वो क्यों डिपॉजिट हो रहा है। तो वो उसके लिए डायबिटीज़ आपका चेक करवा सकते हैं, आपका थायराइड चेक करवा सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल चेक करवा सकते हैं, जो भी नेसेसरी टेस्ट लगेंगे डॉक्टर उसमें वो करवा के देखेंगे। उसके अलावा डॉक्टर रूल आउट करेंगे इस बात को कि कोई पुरानी इन्फेक्शन तो नहीं है या करंटली कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रही है। जैसे लीवर के वायरस इन्फेक्शन होती है हेपेटाइटिस A, B, C, D और E, ठीक है, ये सारे के सारे लीवर की इन्फेक्शन होती है। सो डॉक्टर इन सब को इन्वेस्टिगेट करवाएगा और फिर आपको आपका एक रिस्क प्रोफाइल बनाएंगे और फिर उसी हिसाब से आपको आगे का जो लाइन ऑफ एक्शन जो है वो आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों ये सारी बातें थी कि लीवर के अंदर जो फैटी लीवर होता है
उसकी पहचान के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं। तो लास्ट बोनस बात एक ये है कि अगर आपकी उम्र 30 साल से ज़्यादा हो गई है आप के तो आपको वैसे ही स्कैन कराने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर ओबेसिटी है, घर में हिस्ट्री है, या आपके अंदर खुद डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, या घर में किसी को फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, या लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई थी, या किसी की पुराने टाइम में डेथ हो गई है, तो आपको 30 साल के बाद में एक बार लीवर स्कैन जो है साल दो साल साल डेढ़ साल में एक बार करवा लेना चाहिए। उससे आपका एक आइडिया रहता है कि मैंने तब करवाया था तब किसी दिक्कत नहीं थी, अब करवा रहा हूँ तो अब कोई थोड़ी बहुत दिक्कत है, तो उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत है, तो आप डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं। सैचुरेटेड फैट जो है वो आपको अवॉइड करना चाहिए, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, टी एसिड फैट, या मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो है जो सीड्स में, आलमंड में, ड्राई फ्रूट्स में, इनके अंदर जो मिलते हैं, या ऑलिव ऑयल में, इनके अंदर जो मिलते हैं ये मूफा और पूफा होते हैं जो हमारे लिए हेल्दी होते हैं, हेल्दी फैट होता है। बहुत ज़्यादा जंक फूड, बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें, बहुत डीप फ्राइड चीज़ें जो है वो आपको नुकसान कर सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो दिल करता है वो करो। अल्टीमेटली बात यही है कि लीवर का जो आपकी कोशिकाएं हैं वो ऐसी रहे ना कि ऐसी हो। थैंक यू।